this on my own. You ask Jen where we been, huh? I don't know where to begin, huh? All this dirt on my skin, I just came here to win. Can't control me. ब्राइट भी है, सनी भी है, इसका मतलब ये आज हम अच्छे क्रिकेट के मूड में भी हैं। पिच एकदम हरी है और इस पे नमी भी है। फास्ट बॉलर्स का रहेगा बोलबाला अगर सही ठिकाने पे डालेंगे गेंद। अगर आप टॉस जीते तो आंखें मूंद के कीजिए बैटिंग और बना दीजिए एक विशाल का स्कोर। हेड्स इज द कॉल एंड वी हैव गॉट हेड्स। बैटिंग फर्स्ट, बढ़िया एडवांटेज है, बड़े स्कोर में तब्दील करना चाहेंगे इस एडवांटेज। दर्शकों का जमावड़ा देखकर ऐसा लगता है कि आधा शहर आज इस मैदान में ही है। इनको सिर्फ अपना रोल अदा करना है। कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और इस वजह से बुला लिया है पार्ट टाइमर को। जोरदार अपील, करीबी मामला, अंपायर ने क्लोजअप की मांग की है टू कंफर्म कैच है या नहीं। बल्लेबाजी टीम ने फैसला कर लिया है कि टॉप ऑर्डर के जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं उन्हीं को भेजा जाएगा। जानदार, धारदार, असरदार, गुच्छों में गिरी है विकेट। अपनी विकेट नहीं गंवानी है यहां इनको। फिर जस्ट गो बैक टू द बेसिक्स।
स्क्वायर की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद गई है मिड विकेट क्षेत्र में और इस चौके के साथ पहुंच गए 50 के पार। जबरदस्त पारी, दर्शकों को भी एहसास हो गया है कि शायद चौकों की हैट्रिक देखने को मिलेगी। बहुत ही साधारण रनिंग बिटवीन द विकेट्स, विकेट गवाया। एक सेंसेशनल पारी की हुई इस प्रकार समाप्ति। नया खिलाड़ी मैदान पर, अब कोशिश करनी है इनको कि अंत तक जमे रहें और टीम को ले जाएं सेफ्टी तक। खेला इस पैडल स्वीप शॉट को, मिलेंगे रन्स। हाँ और ना में टाइम वेस्ट नहीं किया, बढ़िया रनिंग। और ये शानदार पारी भी अब हुई है समाप्त। नया बल्लेबाज क्रीज पर और नया काम करना होगा, स्ट्राइक रेट को थोड़ा सा बढ़ाना होगा। कप्तान ने डिसाइड किया है कि अपनी इनिंग्स को डिक्लेयर किया जाए, यानी कि जीत की मंशा साफ कर दी है। नई
गेंद आज पूछेगी कुछ कठिन सवाल, लेकिन इन सवालों का जवाब चाहिए। सलामी जोड़ी ऐसा खेले कि सब इनको सलाम ठोके। थोड़ा सा बदलाव करने की है कोशिश, फास्ट बॉलर को बुलाया गया है। को बिल्कुल सहमति नहीं है अंपायर के इस डिसीजन से, तो चल पड़े हैं तीसरे अंपायर की तरफ। तोहफे में दे गए अपनी विकेट, अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं अपने आप से बहुत नाराज होता। क्रीज पर आए हैं नए बल्लेबाज, उम्मीद यही है कि टीम प्लान के साथ वो जुड़े रहेंगे और एंकर का रोल अदा करेंगे। बल्लेबाजी टीम को इस समझ बूझ के छुपा कर डाली है स्लोर गेंद। ऑनेस्टली मैंने भी ऐसे बहुत बार चकमा खाया है। साधारण बल्लेबाजी, गिफ्ट में दे दी अपनी विकेट।
इनको सिर्फ अपना रोल अदा करना है। कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हम आपके साथ जल्दी ही जुड़ेंगे एक छोटे से लंच ब्रेक के बाद। एक्शन में दे गए अपनी विकेट। अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं अपने आप से बहुत नाराज होता। मिडल ऑर्डर का बल्लेबाज अब मैदान पर है और उम्मीद यही है नियंत्रण प्रदान करेंगे वो अपनी टीम को। लिखा है आउट का इशारा अंपायर की तरफ से और सेलिब्रेशंस। अंपायरिंग डिसीजन से बल्लेबाज बिल्कुल नाखुश। नया खिलाड़ी मैदान पर, अब कोशिश करनी है इनको कि अंत तक जमे रहें और टीम को ले जाएं सेफ्टी तक।
पार्टी में किया परी। नया बल्लेबाज क्रीज पर और नया काम करना होगा, स्ट्राइक रेट को थोड़ा सा बढ़ाना होगा। सही गेंदबाज रिवर्स स्विंग, दैट्स अ ब्यूटी। बिल्कुल साधारण बल्लेबाजी, गिफ्ट में दे दी अपनी विकेट। थोड़ा सा इनको संभल के खेलना होगा और कोशिश करनी होगी कि अंत तक ये नाबाद रहे। मीडियम पेसर लिखा है, इस समझ बूझ के छुपा कर डाली, एकदम जड़ में थी ये यॉर्कर। बल्लेबाज को अता पता नहीं था गेंद का। में दे गए अपनी विकेट, अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं अपने आप से बहुत नाराज होता। बहुत ही रोचक फैसला कप्तान का, लोअर ऑर्डर बल्लेबाज को प्रमोशन दी है बैटिंग ऑर्डर में।
विकेट आउट कॉट। क्या कर रहे हैं ये, क्या सोच रहे हैं ये, कैचिंग प्रैक्टिस है क्या? छल्ले बल्लेबाज जरूर है ये, लेकिन ये सवाल पूछना जानते हैं, ये जवाब देना जानते हैं। दूसरा, क्या अच्छी पहल कर पाएंगे बल्लेबाज? अब गोज द फिंगर। अंपायरिंग डिसीजन से बल्लेबाज बिल्कुल नाखुश। बल्लेबाज रन बनाने में विफल, गेंदबाज सफल। बिल्कुल साधारण बल्लेबाजी, गिफ्ट में दे दी अपनी विकेट। अब तो सिर्फ उछलने बल्लेबाज बचे हैं, लेकिन यू नेवर नो व्हाट माइट जस्ट हैपन। मगंदाज में खेल, बल्लेबाज को थोड़ा क्रैम्प किया, एक और डॉट बॉल गेंदबाज की। सुपर दूसरा, एकदम जड़ में थी ये यॉर्कर, बल्लेबाज को अता पता नहीं था गेंद का। बढ़िया अंदाज में की है दूसरी पारी की शुरुआत, कंफर्टेबल लीड है इनके पास। टीम ने कुछ प्लान किया है और उस प्लान का हिस्सा है ये। मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते नहीं है अमूमन, लेकिन आज यहां भेजा गया है इनको।
पहुंचे अपने 50 पर। दर्शकों को भी एहसास हो गया है कि शायद चौकों की हैट्रिक देखने को मिलेगी। शानदार पारी भी अब हुई है समाप्त। अमूमन ये मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, लेकिन आज बैटिंग ऑर्डर में किया है बदलाव। देखते हैं क्या भाग्य बदलेगा इनका। अभी तक का खेल तो अच्छा रहा है, उम्मीद यही कि मोमेंटम को गवाएंगी नहीं दोनों टीम्स टी ब्रेक के बाद। बैटिंग साइड ने डिक्लेयर करने का फैसला लिया है, यानी कि चेज की है बारी। ऐसा लग रहा है कि अब हार का सामना करना पड़ेगा। यहां से बचना है तो चमत्कार करना पड़ेगा। बल्लेबाजी टीम ने अब फैसला। बिल्कुल सहमति नहीं है अंपायर के इस डिसीजन से, तो चल पड़े हैं तीसरे अंपायर की तरफ। अंपायर ने डीआरएस का किया है इस्तेमाल, रिव्यू मांगा है। को
ओरिजिनल डिसीजन कायम रहेगा। हल्की सी थी खता, तोहफे में दे गए अपनी विकेट। अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं अपने आप से बहुत नाराज होता। नया बल्लेबाज आया है क्रीज पर, अब उम्मीद है कि ये टीम की उम्मीदों पे खरा उतरेगा। पेसर को बुलाया है अटैक पर। गेंदबाजी यूनिट की एक धमाकेदार शुरुआत, गोल्डन डक। अनप्लेएबल थी ये गेंद, जाके लगी स्टंप्स पर, गिल्लियां बाहर, गिल्लियां बाहर। तोहफे में दे गए अपनी विकेट। अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं अपने आप से बहुत नाराज होता। अपनी विकेट नहीं गंवानी है यहाँ इनको। फिर जस्ट गो बैक टू द बेसिक्स। ये आउट करार दिया है अंपायर ने। बैट्समैन को बिल्कुल सहमति नहीं है अंपायर के इस डिसीजन से, तो चल पड़े हैं तीसरे अंपायर की तरफ। बैट्समैन ने डिसाइड किया है कि डिसीजन को रिव्यू करेंगे। तीसरे अंपायर को किया है इन्वॉल्व। स्टंप्स के सामने है, पैडों पर लगी है गेंद, लेग बिफोर का डिसीजन गेंदबाज के पक्ष में। दूसरी गेंद, दूसरी सफलता, दूसरे छोर के लगातार विकेट्स गिरती जा रही हैं। ये नए बल्लेबाज हैं क्रीज पर, तो ये इनको कोशिश करनी है कि क्रीज पर डटे रहें, जमे रहें। को बिल्कुल सहमति नहीं है अंपायर के इस डिसीजन से, तो चल पड़े हैं तीसरे अंपायर की तरफ। जी हां, डिसीजन रिव्यू, तीसरा अंपायर इन्वॉल्व। सटीक लाइन, सटीक लेंथ, कठिन सवाल नहीं था जवाब। बिल्कुल साधारण बल्लेबाजी, गिफ्ट में दे दी अपनी विकेट। नया बल्लेबाज क्रीज पर, और नया काम करना होगा, स्ट्राइक रेट को थोड़ा सा बढ़ाना होगा।
अपनी समझ बूझ के छुपा कर डाली ये स्लोर गेंद। मैंने भी ऐसे बहुत बार चकमा खाया है, ये आउट करार दिया है अंपायर ने। बैट्समैन को बिल्कुल सहमति नहीं है अंपायर के इस डिसीजन से, तो चल पड़े हैं तीसरे अंपायर की तरफ। साधारण बल्लेबाजी, गिफ्ट में दे दी अपनी विकेट। मिडल ऑर्डर का बल्लेबाज क्रीज पर, तो उम्मीद यही है कि स्टेबलाइज करेंगे इस पारी। दे गए अपनी विकेट, अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं अपने आप से बहुत नाराज होता। बल्लेबाजी क्रम में खासी उठापटक, लोअर ऑर्डर बल्लेबाज को टॉप ऑर्डर में भेजना, क्या बैटिंग ऑर्डर को लंबा करना चाहते हैं कप्तान?
गति में किया परिवर्तन, चकमा दिया, जबरदस्त गेंद राइट थ्रू द डिफेंस, बल्ले और बैट में था गैप, गेंद जाके लगी बेल्स पर। में दे गए अपनी विकेट, अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं अपने आप से बहुत नाराज होता। उछल्ले बल्लेबाज जरूर हैं ये, लेकिन ये सवाल पूछना जानते हैं, ये जवाब देना जानते हैं। नहीं, एक्शन में ज्यादा बदलाव नहीं, लेकिन छल्ले बल्लेबाज जरूर हैं ये, लेकिन ये सवाल पूछना जानते हैं, ये जवाब देना जानते हैं। गति में मिश्रण के साथ चकमा देने का किया है प्रयास, अच्छी स्लोर। दूसरी गेंद, दूसरी सफलता, गेंदबाज इज ऑन अ रोल। तो कहना होगा कि हमने विटनेस किया एक आउटस्टैंडिंग क्रिकेट का गेम, क्योंकि ये मुकाबला जाएगा रिकॉर्ड बुक्स में। इस जीत को लंबे समय तक आप भुला नहीं पाएंगे। गेंद के साथ जादूगर कहते हैं इनको, आज इनके इशारों पे नाच रही थी गेंद और साथ में बल्लेबाज भी। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड इस गेंदबाज के सब। लगातार अच्छा करना आसान नहीं होता, लेकिन निरंतरता इस खिलाड़ी का है गहना। कंसिस्टेंटली अच्छा किया, मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड भी जीत लिया। टेस्ट क्रिकेट की खास बात ही यही है, पांचों दिन लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है और अंत में मिले हैं हमें अवार्ड ही चैंपियन।